एनएसटी में हम लोग क्या करते हैं, कार्डियो टोकोग्राफी करते हैं, फीटल हार्ट रेट साउंड सुनते हैं विद रिस्पेक्ट टू फीटल मूवमेंट्स। ठीक है, तो उससे हमें फीटल, हाँ हाँ क्या हुआ मैम, मुझे मैम ये रिएक्टिव में दिया है, एक लाइन दिया है कि एक्सीलरेशन मोर देन 50 बीट्स पर मिनट अबव द बेस लाइन एंड लॉन्गर देन 50 सेकंड इन ड्यूरेशन आर प्रेजेंट इन 20 मिनट्स। मैम इसका क्या मतलब है, लॉन्गर देन 50 सेकंड इन ड्यूरेशन आर प्रेजेंट इन 20 मिनट्स? 20 मिनट्स तक तुमने ऑब्जर्व किया और 15 सेकंड तक ऐसा होता रहा, यानी 15 सेकंड तक ऐसा हुआ कि 15 बीट से मोस्टली क्या करते हैं जब हम फीटल हार्ट रेट सुनते हैं ना डॉपलर लगा के या स्टेथो लगा के, सभी फिजिशियन क्या करते हैं एक मिनट तक नहीं सुनते, 15 सेकंड तक सुन लेते हैं, उसको 4 से गुना कर लेते हैं। तो उस 15 सेकंड में अगर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आ रही है तो मतलब बीट बढ़ रही है ऐसे। पर इसको इस टेस्ट को मैं बाद में कहने वाली हूँ कि ये जो है 50% में फाल्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, ओके मैम। तो मतलब ये ऑथेंटिक बहुत ज्यादा नहीं है, पर टू सम एक्सटेंट जैसे आशा वर्कर या नर्सेज होती हैं उनको थोड़ा सा लगता है, तो कम से कम वो स्पेशलिस्ट के पास शिफ्ट कर लेती हैं पेशेंट को, फिर और टेस्ट करेंगे जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा। एनएसटी मतलब कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, सिर्फ बिना स्ट्रेस के भी पेशेंट को हम फीटल हार्ट रेट चेक कर रहे हैं, फीटल मूवमेंट्स चेक कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हमें वो ज़्यादा मिल रही है उसकी गति, 20 मिनट तक हमने देखा और वो उस 15 सेकंड में, 15 सेकंड मतलब पर मिनट निकालने के लिए हमने 15 ही सेकंड देखी थी, मान लो वो आई अपने पास 40 15 सेकंड में, तो 160 होगी ना टोटल एक मिनट में। हाँ, तो यूजली प्रैक्टिशनर या कोई भी, या इतना टाइम नहीं होता वो खड़ा रहे एक एक मिनट, लिखा होता है किताबों में दो दो मिनट चेक करो, पर बुक्स प्रैक्टिकली सभी लोग वन हाफ मिनट चेक करते हैं या 15 सेकंड चेक करते हैं और उसको 4 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, अब तुमने बस दो चीज़ें याद रखनी है, एक रिएक्टिव टेस्ट और एक नॉन रिएक्टिव। ठीक है, अब नॉन रिएक्टिव में इसने लिखा हुआ है कि कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब फीटल हार्ट बढ़ी नहीं है, रेट बढ़ा नहीं है, इतना ही याद रखना है। पर जो रिएक्टिव है शुरू वाला जिसमें बीट बढ़ गई है, तुमने नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में ये लिखना है कि अगर 15 या 20 बीट्स पर मिनट बढ़ रही हैं, यानी कि वो रिएक्टिव है, ज़्यादा है, तो उसको उसमें तुम सोचो कि 1000 बच्चों में से 3, 4 या 5 बच्चों की पेरीनेटल मोर्टेलिटी हो सकती है। पेरीनेटल मोर्टेलिटी मीन्स डेथ ड्यूरिंग लेबर और जस्ट आफ्टर डिलीवरी। पेरीनेटल शुरू के हफ्ते को भी पेरीनेटल डेथ में काउंट करते हैं, ये तुमने पीडिया में पढ़ा होगा, क्योंकि हर चीज़ रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखना है। पेरीनेटल अराउंड बर्थ पेरीनेटल, तो 5 तक अगर अगर हमारा रिएक्टिव टेस्ट है, और अगर नॉन रिएक्टिव टेस्ट है
तो 40 per 1000, यानी ये उससे भी भयंकर हुआ नॉन रिएक्टिव वाला, कि मतलब हार्ट भी ठीक थी, 120 to 140 ही थी, नॉन रिएक्टिव था। अब पेरीनेटल मोर्टेलिटी 40 हो रही है 1000 में से, और रिएक्टिव वाले में 5 ही हो रही है, तो फिर क्या फ़ायदा इस टेस्ट का। तो लास्ट में उसने कंक्लूजन में लिख ही दिया कि दिस टेस्ट इज फाल्स नेगेटिव 0.5 एंड फाल्स पॉजिटिव 50%। फाल्स पॉजिटिव, समझ रहे हो, बिल्कुल फाल्स ही होता है समझो। 50% जब फाल्स है तो क्या यूटिलिटी हुई इसकी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। यानी जिसका हमने रिएक्टिव टेस्ट किया वो भी 50% में जा रहा है, तो वाई शुड वी डू दिस टेस्ट, नो यूज़। बट वी शुड नो द हार्ट रेट पर मिनट, पैरेलल फीटल मूवमेंट्स ऑल्सो, बस इतना ही है बायोफिजिकल में। जो ऊपर जो माँ ने काउंट किया फिर डॉक्टर ने कर लिया, बस इतना ही फ़र्क है दोनों में। पहले माँ ने बताया कि इतनी मूवमेंट्स होती हैं मेरे पेट में, इतनी क्विकनिंग होती हैं, और फिर तुमने अल्ट्रासोनोग्राफी से या अपने स्टेथो से या अपने डॉक्टर से काउंट कर लिया, दैट इज सफिशियंट। ओके, अब उसके बाद एक वर्ड नीचे देखना, अभी स्कोरिंग सिस्टम लिखा हुआ है, इसको मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत डीप हो जाएगा, उतना हम लोगों को ज़रूरत नहीं। उसके बाद फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल लिखा हुआ है, BPP, तुम्हारी स्क्रीन पे भी होगा या बुक में से शेयर कर देगी बाद में रुचिका। तो यानी अभी क्या है, BPP में भी क्या होता है कि बहुत से जो पैरामीटर्स हैं वो हम लोग कंसीडर करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में। BPP मीन्स बायोफिजिकल प्रोफाइल, बायोफिजिकल प्रोफाइल में पहले हमने मूवमेंट काउंट किया, फिर फीटल हार्ट रेट काउंट किया, कार्डियो टोकोग्राफी की और NST, तीन क्लियर हैं, तीनों में कुछ शुभम दिक्कत, पहले तीन क्लियर बताओ। फीटल मूवमेंट माँ काउंट कर रही है, कार्डियो टोकोग्राफी हमारा इंस्ट्रूमेंट काउंट कर रहा है, और NST में हम स्टेथो लगा के काउंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो BPP आ गया, फीटल बायोप्सी प्रोफाइल। फीटल बायोप्सी प्रोफाइल उसको समझने के लिए हम लोगों को BPP को कब हम एबनॉर्मल मानते हैं, जब NST नॉन रिएक्टिव होगा एंड AFI इज लेस देन 5। अब हम जाके यहाँ अटक गए, जैसे मैंने अभी थोड़ी 2 मिनट पहले कहा था ना कि वो कहते हैं ना पीछे से रिट्रोस्पेक्टिव शुरू हुआ है, पहले तो हमने डिलीवरी कर दी, फिर हम एंटीनेटल केयर और असेसमेंट कर रहे हैं, अब हम मेन बेसिक चीज पे चले गए, रूट पे, कि भाई ये क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसी में समझा रही हूँ तुम्हें, वैसे वो अलग से टॉपिक में हमें कराना चाहिए था जो हमने नहीं कराया हुआ। तुमने बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब हम एमनियोटिक फ्लूइड जो तुमने मासिक में पढ़ा हुआ है ना, कि पहले 3 महीने तक तो अंदाज़ा 50 से 100 ml ही होता है, फिर 6 महीने तक होता है वो 500 से 1000 ml तक, ठीक है, और बाद में 1000 से 1500 ml तक। पर ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, तो फिर से तुम्हें मैं रिपीट कर रही हूँ, पहले 3 महीने में बुक्स में 50 ml ही लिखा हुआ है, पर 50 से 100 ml तक होता है पहले 3 महीने में, और फिर बीच वाले 3 महीने में नियरली 800 ml लगा लो, और लास्ट में 36-38 वीक्स पे जाके ये 1000 ml होता है। यानी 38 वीक्स के बाद वो कम होना शुरू हो जाता है और लेस होना शुरू हो जाता है, और बिल्कुल एंड में जब डिलीवरी होती है ना तो 500-600 ml निकलता है। बुक्स में 800 ml लिखा हुआ है, तो तुम 600 लिखोगे वो भी ठीक है, 700 लिखोगे वो भी ठीक है, 800 ml लिखोगे वो भी ठीक है। 800 तो बहुत कम है, और मैंने तो बिल्कुल यानी 50 ml निकलते हुए भी देखा है फुल डिलीवरी के टाइम। नॉर्मल होता है, कलरलेस होता है, उसमें कुछ टर्बिडिटी वाइट नहीं होता, पर एंड में जैसे जैसे पोस्ट मैच्योर होता है ना, तो जो बच्चे के ऊपर वो वर्निक्स कैजियोजा लेन्यूगो होते हैं वो घुलते रहते हैं उसके अंदर वाइट वाइट से सेल, तो थोड़ा सा जैसे कच्ची लस्सी होती है ना वैसा वैसा हो जाता है जैसे जैसे पोस्ट मैच्योरिटी होती है। अब उसमें से तुम 3-4 कलर याद रख लेना, अगर तो मिकोनियम का कलर पता है तुम्हें, डार्क मेहंदी ग्रीन सा होता है मिकोनियम वाला, अगर वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर घुल जाता है ना तो वो ग्रीनिश पानी, पी वाटर बोला गया उसको, जैसे मटरों का सूप होता है ना उस टाइप का बन जाता है, तो वो समझो मिकोनियम स्टेन्ड है, पी समझ रहे हो ना, मटर मटरों के सूप जैसा बन जाता है, तो यानी वो मिकोनियम स्टेन्ड समझना चाहिए। और अगर गोल्डन कलर का हुआ वो येलो से याद रखना, गोल्डन बिलिरुबिन बढ़ रहा है यानी आर एस
इनकॉम्पेटिबिलिटी वाला चक्कर पड़ रहा है, आरएच यानी कि अगर मदर का नेगेटिव है तो बच्चे के आरबीसीज टूट रहे हैं और उसकी वजह से सीरम बिलिरुबिन उसका एमनियोटिक फ्लूड में बिलिरुबिन बढ़ रहा है, तो गोल्डन कलर का फ्लूड होगा। मिकोनियम स्टेंड हुआ तो पी वाटर जैसा, अगर गोल्डन है तो ड्यू टू बिलिरुबिन, येलो याद ही रहेगा ना, जॉइंडिस की वजह से होता है। उसके अलावा तुमने एक याद रखना है डार्क ब्राउन कलर। अगर इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ हो जाए और तुम्हें पता ही ना चले क्योंकि तुम नए नए हो, तुम्हें फिटल हार्ट सुनना ही नहीं आ रहा, और बाई चांस एमनियोटिक फ्लूड डार्क ब्राउन, जैसे जंग लगा होता है ना पानी में, किसी लोहे की चीज़ अपन जंग लग जाती है वो ब्राउन ब्राउन कलर का पानी हो जाता है, वैसा सा पानी निकल रहा है, तो बिना एब्डोमेन को हाथ लगाए डिक्लेयर कर दो इट इज इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ। तीन कलर याद रख लेना, कलर तो बहुत सारे हैं पर तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। स्ट्रॉ कलर भी होता है, वो भी पोस्ट मैच्योरिटी की इंडिकेशन है, स्ट्रॉ येलो, येलोइश लाइट येलो सा होता है, जैसे यूरिन का कलर ना लाइट येलो सा होता है वैसा सा स्ट्रॉ कलर होता है। तो इतने एमनियोटिक फ्लूड के लिए एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, और एक अब तुम सोचो कि मदर का जो एब्डोमन है उसके हमने चार हिस्से कर दिए, उसके लिए तुम डिमार्केशन ऐसे करो, ये ज़िफिस स्टर्नम से लेकर अम्बिलिकस तक, अम्बिलिकस से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, उस पर एक गोला मार लो, ठीक है। सेंटर सेंटर प्रकार रख ली हमने अम्बिलिकस पे, उसके चारों तरफ एक गोला मार दिया और उसके चार हिस्से कर दिए, अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरा। गोला अम्बिलिकस पे प्रकार रखी और उसके चारों तरफ गोला मार दिया, दैट गोला शुड टच ऑन द अपर बॉर्डर ऑन द ज़िफिस स्टर्नम एंड एट द लोअर बॉर्डर एट द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये अपने चार क्वाड्रेंट बन गए, ठीक है। उन चार क्वाड्रेंट के हिसाब से इन्होंने वर्टिकल पॉकेट्स बताई हुई हैं, तो फिलहाल इतना ही बताती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वो मेरा टॉपिक रह जाएगा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है हम किस तरह से उसको काउंट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर तुमने पढ़ना हुआ मैं बुक के पेज नंबर भी बता दूंगी तुम लोगों को। तो यानी अगर एक्सेस, तुमने बस इतना याद करना है कि अगर एक्सेस हुआ या लेस हुआ AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, तो वो अगर 5 तक होता है तो नॉर्मल है, चारों क्वाड्रेंट को जोड़ लेना है, और जो वर्टिकल पॉकेट अगर 2 तक है, तुम सोचो ये मेरी शीशी दिख रही है ना, ये तो बहुत चौड़ी है, तुम सोचो ऐसे लंबी लंबी पाइपें हैं इन चारों क्वाड्रेंट्स में, और उसकी जो वर्टिकल हाइट है 2 सेंटीमीटर तक अगर है पॉकेट्स में, चार खाने हैं, वो जो प्रकार लगाई तुमने अम्बिलिकस के चारों ओर उसके चार खाने बना लिए, और उनके अंदर ऐसे वर्टिकल लंबी लंबी ट्यूब्स स्ट्रॉ खड़ी हैं और उनमें पानी है, और उसमें अगर 2 सेंटीमीटर तक पानी है उनमें, तो समझो ठीक है, और चारों खानों का मिलाकर अगर मोर देन 5 है तो आउट ऑफ रिस्क है पेशेंट, बस इतना ही याद रखना है तुमने और ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर उसको AFI कहते हैं, जो 5 से ज़्यादा वाला मैंने बोला एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बोलते हैं, उन चारों क्वाड्रेंट को जोड़ लिया, और अगर वर्टिकल पॉकेट एक ही ली अगर उसमें 2 तक है तो मतलब नॉर्मल है, तो AFI को तुमने सोच लेना है, और उसमें क्वाड्रेंट मैंने बता दिए किस तरह से लेने हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा या कम है, यानी एक्सेस है और लेस है, तो हम लोग AFI से ना उसको समझ लेते हैं। और इसी तरह से क्लिनिकल कंडीशन ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, इस ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। अब एमनियोटिक फ्लूइड की क्या क्या इम्पोर्टेंस होगी बताओ तुम, फिर मेरे को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा बोलने में। सचिन क्या क्या यूज है एमनियोटिक फ्लूइड की इन्फॉर्मेशन का? बोलो भाई रितु, तुम बोलो। मैम ये AFI में एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है, इसमें वर्टिकल पॉकेट्स पे अगर 2 सेंटीमीटर तक है तो ठीक है, अदरवाइज ओलिगोहाइड्रोएमनिया वगैरह मतलब डिजीज हो सकती है इसमें। हाँ नहीं, जो AFI है वो तो चार क्वाड्रेंट्स का जोड़ है, ठीक है,
और जो वर्टिकल पॉकेट है वो किसी एक क्वाड्रेंट की वर्टिकल पॉकेट, मैंने बताया ना जैसे सिलाइयां वो स्ट्रो होती है ना जूस पीने वाली, तुम सोचो वो स्ट्रोज खड़ी हैं अंदर, पॉकेट्स बनी हुई हैं वो, और उन पॉकेट में पानी भरा हुआ है, और उस लंबाई में पॉर्टिकल उस वर्टिकल पॉकेट में 2 सेंटीमीटर तक अगर फ्लूड है तो वो सही है एंड में, पर अगर वो कम है उससे कभी भी, यानी 7th मंथ में 8th मंथ में, यानी वो प्रोपोर्शनली वो पॉकेट्स उतनी ही रहती हैं जितना उनमें, जैसे मैंने बताया ना कि 32 से 36 हफ्ते में मान लो 1 लीटर होना चाहिए, तो वर्टिकल पॉकेट की लेंथ वैसे ही रहेगी उस मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर वो लेस है या हायर है, एक तो अब तुम देखो एमनियोटिक फ्लूइड की कितनी इंपॉर्टेंस होगी, सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि अगर ये सही है तो फिटल वेलबींग है नंबर वन। फिर हम और बुरा सोचते हैं कि हमने अगर एबॉर्शन की कंडीशन में, हम लोगों ने तुम्हें एक बताया था अगर हमने इंड्यूस्ड एबॉर्शन करना है तो हम लोग इंस्टिल करते हैं, यानी एक केमिकल क्या नाम था उसका, बॉटल्स 3 आती हैं, अरे तुम में से कोई प्रैक्टिस में देखता है अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, इथाक्राइडिन लैक्टेट डालते हैं, 50-50 ml की 3 बॉटल होती हैं, उन बॉटल्स को हम जैसे एनीमा से डालते हैं ना वैसे सिरिंज से भी डाल देते हैं, कैनूला से भी उस दवाई को यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं, और पेशेंट लेटा रहता है तो वो जो पूरा सैक है सेपरेट हो जाता है, यानी जैसे आप अभी इतने टेस्ट किए तुम्हें पता चला क्रोमोसोमल डिफेक्ट है ना, लो लिम्ब डिफेक्ट है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, स्पाइना बाइफिडा, कुछ भी डिफेक्ट, किडनी डिफेक्ट है, कितने डिफेक्ट छोटे बच्चे में हो सकते हैं, अगर कोई भी डिफेक्ट हमें समझ में आया तो हम पेशेंट को कहेंगे कि तुम टर्मिनेट करो इसको, है ना। तो एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट करके हमें एक तो फिटल वेलबींग पता चला, अगर वो एमनियोटिक फ्लूइड में वो सारे टेस्ट आ रहे हैं गड़बड़ वाले तो तब भी हमें क्रोमोसोमल डाउन सिंड्रोम, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट समझ में आ रहे हैं, तब भी हम हमने टर्मिनेट करना है, फिर हमें यानी कि यूज करना है उसी एमनियोटिक सैक में वो इथाक्राइडिन लैक्टेट डालना है, यानी इट इज हेल्पफुल इन एबॉर्शन आल्सो, और एक्सेस या लेस हुआ तो वो डायग्नोस हो गया ना ओलिगो या ओलिगो हाइड्रोएमनियोज और पोलीहाइड्रोएमनियस, वो भी इसमें असेस हो रहा है। फिर जैसे मान लो 36 वीक्स प्लस प्रेगनेंसी थी और बाय चांस वो जैसे मैंने कहा ना पी सूप जैसा फ्लूड आ गया, पेशेंट ने आके कहा कि मुझे तो ग्रीन सा आज पानी सा आ रहा था, तो मैं एकदम होगा कि मिकोनियम हो गया तो इसको जल्दी जल्दी सिजेरियन करके निकाल रहे हैं, बच्चे को बचाना ही है ना हमने, तो यानी अर्ली डायग्नोज हो जाएगा हमारा अगर हमने इलेक्टिव सर्जरी करनी है, यानी इस तरह से ब्रॉड व्यू से सोचो कि एमनियोटिक फ्लूइड की स्टडी से हमें कितना समझ में आ रहा है, परंतु हमने बायोफिजिकल पर्पज से बस तुमने अब 2 शब्द याद रखने हैं, वर्टिकल पॉकेट इफ एट द लेवल ऑफ और मोर देन 2 दैट इज गुड, और चारों क्वाड्रेंट का जोड़ वो है AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, इफ इट इज मोर देन 5 दैट इज गुड, इट मीन्स फिटस इज नॉट इन रिस्क, इतना बहुत है इससे संबंधित। अगर पूरी थ्योरी करेंगे तो एक टॉपिक चाहिए मुझे एमनियोटिक फ्लूइड के लिए। ओके अब ये 3rd पॉइंट हो गया हमारा मॉडिफाइड जो है बायोफिजिकल में, कि अगर AFI इज तो अभी अगर जैसे मैंने कहा 5 है या 5 से ऊपर है तो ठीक है, अगर लेस है तो मतलब खतरनाक है, उल्टा भी समझ लिया ना तुमने, अगर लेस है तो दैट इज डेंजरस। उसके बाद है फिटल कार्डियो टोकोग्राफी, उसमें वही है फिटल हार्ट रेट कितना होता है पीयूष, इस केस में